नमस्कार दोस्तों, अपनी यूनिवर्सिटी में आप सभी का वेलकम है। आज अपन केमिस्ट्री का फिर से एक छोटा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। 2022 का पेपर जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन आया है कि जो आपका प्राकृतिक रबर होता है उसका रेखीय गोलक कौन होता है। देखो, प्राकृतिक रबर का नाम होता है आइसोप्रीन। इसका नाम होता है आइसोप्रीन, जो बनी होती है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाईन की। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाईन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। मानो मैंने इसको नंबरिंग इधर से दी, 1, 2, 3, 4। तो 2 पे क्या आएगा? मेथिल। और 1 और 3 पे क्या आएगा? आपका डबल बॉन्ड। डाईन का मतलब डबल बॉन्ड। तो आपका फॉर्मूला हो गया ये 1,3-ब्यूटाडाईन। प्राकृतिक रबर का मोनोमर यूनिट क्या होती है? 1,3-ब्यूटाडाईन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइरिडॉक्सिन है। पाइरिडॉक्सिन जो नाम होता है विटामिन B6 जो होती है, इसका नेम होता है दूसरा। तो इसमें आंसर हो जाएगा विटामिन B6। अगला है कि जो आपको ये दिया है, वुडवर्ड और फीजर रूल से इसका लैम्डा मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखो, आपके ये दोनों डबल बॉन्ड जो है इसी रिंग के अंदर है, ये इसके अंदर अपन को 1,3-ब्यूटाडाईन लेनी होती है। तो ये एक ही रिंग के अंदर है, तो ये कौन सी हो गई? होमो एन्युलर। कौन सी हो गई? होमो एन्युलर, समवल्याकार। समवल्याकार के लिए अपन लैम्डा लेते हैं 253 नैनोमीटर। इसके बाद मैं बात करूं तो देखो, कॉन्जुगेशन या विस्तार की बात करूं तो कॉन्जुगेशन या विस्तार कैसे होता है? सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो ये रहा सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो ये आपकी 1,3-ब्यूटाडाईन है। इसके अलावा ये जो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा है। एक बॉन्ड के लिए अपन लेते हैं प्लस का 30 नैनोमीटर। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 60 नैनोमीटर। इसके अलावा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो होती है वो आपके रिंग के बाहर ऐसे वाला बॉन्ड होता है। तो ऐसा वाला बॉन्ड ये वाला है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये। इसके लिए वैल्यू लेते हैं प्लस की 5 नैनोमीटर। इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसमें रिंग रेजिड्यू या वल्ले अवशेष कितने हैं, तो जहां पर अल्टरनेशन खत्म हो जाता है वो वल्ले अवशेष होते हैं, ओनली वल्ले के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। तो यहां खत्म हो रहा 1, 2, 3, 4 और 5। वल्ले अवशेष कितने हैं? 5। एक वल्ले अवशेष के लिए अपन वैल्यू लेते हैं प्लस की 5 नैनोमीटर। तो 5 के लिए हो जाएगी 25 नैनोमीटर। इनका जब सम करोगे तो आपका आएगा 343 नैनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपका है, सहसंयोजक आबंध तथा समास विदलन के फलस्वरूप बनता है। सहसंयोजक बंध जो होता है, सहसंयोजक बंध आप मानते हो कि जो दो आपके परमाणु होते हैं उनकी बराबर की साझेदारी या बराबर की हिस्सेदारी से बनता है। यानी इस बंध को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा। जब इसको तोड़ोगे तो बी अपना लेके जाएगा, ए अपना लेके जाएगा। बराबर बांट रहे हो, समास विदलन करवा रहे हो उसका। समास का मतलब है सेम। तो ये हाफ एरो नोटेशन से होता है, बी अपना लेके जाएगा, ए अपना। तो ए का फ्री रेडिकल प्लस बी का फ्री रेडिकल, तो क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। आंसर हो जाएगा मुक्त मूलक। अगर मैं पूछूं कि विषमास विदलन करवाऊं यानी हिटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाऊं तो क्या होगा? तो देखो, ये जो बॉन्ड के हैं इन दोनों में से किसी एक की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, मानो बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और पूरा एरो, फुल एरो नोटेशन होगा। ऐसे में आपके विषमास विदलन में बनते हैं, ए के पास कमी हो जाएगी, बी दोनों इलेक्ट्रॉन को ले गया, तो बनती है आयनिक स्पीसीज, विषम ध्रुवीय स्पीसीज आपकी बनती है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में। अगली बात करूं कि अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम क्या होगा। अम्लीय सामर्थ्य जो होती है आपकी वो -I इफेक्ट के समानुपाती होती है, -I। और -I इफेक्ट वो देते हैं जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। यानी आपको फोन, विद्युत ऋणता की बात आते ही आपको दिमाग में फोन को रखना है। हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो देखो, इनमें आप ढंग से देखो तो ये एसिटिक एसिड है, ये रहा ये एसिटिक एसिड है। इसने क्या किया है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आपने क्या किया? CH3 का एक हाइड्रोजन हटा के फिर क्लोरीन जोड़ा, 2 हटा के फिर क्लोरीन, 3 हटा के फिर क्लोरीन। तो आपको पता है जैसे जैसे आपकी विद्युत ऋणी एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे माइनस का आई इफेक्ट बढ़ेगा और वैसे वैसे अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा इसमें है तो सबसे ज्यादा इसकी होगी अम्लीय सामर्थ्यता। उसके बाद इसमें है क्लोरीन 2, फिर इसकी होगी, फिर इसमें एक है, इसमें नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ये 3-2-1-0, ये वाला होगा अम्लीय सामर्थ्यता का क्रम। इसके बाद अगला दे रखा है कि पोलिंग पैमाने में से आपको बताना है कि विद्युत ऋणी का
सबसे कम विद्युत ऋणी कौन सा है? तो ढंग से देखो, सोडियम, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, चारों के चारों आपके जो तत्व है वो कौन से ब्लॉक के हैं? एस ब्लॉक के हैं। और कैसे आते हैं आपको पता ही आते हैं, हेलिना ने कहा रूबी सज्जी फिरे, इधर होता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसे। तो आपने देखा लिथियम उसके साइड में होता है, इधर बेरिलियम, इधर होता है सोडियम, इधर होता है मैग्नीशियम। आप सभी को पता है आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है क्योंकि आकार कम होता है, और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान जो होता है वो कम होता है क्योंकि कोसों की संख्या बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होगी, तो लिथियम से कम किसकी होगी विद्युत ऋणता? सोडियम की। बेरिलियम से कम किसकी होगी? मैग्नीशियम की। और इधर से इधर जाएंगे यानी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में बढ़ती है, और इधर से इधर बढ़ेगी तो सबसे कम विद्युत ऋणी हुआ आपका सोडियम। तो आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। इसके बाद है कि दिए गए आंकड़ों में से आपको यह बताना है कि इन चारों गैस में से सबसे न्यूनतम अधिशोषण किसका होता है? निम्नतम अधिशोषण, जो आपका अधिशोषण होता है या एडसॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर के। यानी आपका जो ये हिंदी में इसको बोलते हैं क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप के समानुपाती होता है अधिशोषण। तो देखो CO2 का क्रांतिक ताप दे रखा है ये, SO2 का ये, CH4 का ये, H2 का ये, सबसे कम वैल्यू कौन सी है? ये। तो सबसे कम क्रांतिक ताप किसका है? हाइड्रोजन का। तो न्यूनतम अधिशोषण भी किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का। ठीक, अगला क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो पूछा आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है? आणविक कक्षक सिद्धांत का मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो क्या होती है? MOT। तो पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं, तो इसमें दे रखा है बीई टू। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? चार नंबर पे आता है, तो इसमें दो में एक चार नंबर पे आता है, बेरिलियम कितने है? दो। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? आठ इलेक्ट्रॉन। एक बेरिलियम की बात करूं तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2। दूसरे की बात करूं तो आप कैसे लिखोगे? 1s2 2s2। तो एक बेरिलियम का बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, दूसरे का एंटी बॉन्डिंग होगा, सेम इसका बॉन्डिंग होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा? सिग्मा 1s का बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद 2s बॉन्डिंग, उसके बाद 2s का एंटी बॉन्डिंग, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि आपके 1 1 ही है तो सिग्मा ही चलेगी इसके अंदर। अब ये 1 की सेल है दोनों, 1 के लिए अगर बात करें तो देखो आपका जैसे नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर कोशों की संख्या एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे होती है। तो पहले के लिए आप एन, पहली सेल के लिए आप के यूज करते हो, दूसरे के लिए एल, तीसरे के लिए एम, चौथे के लिए एन, ऐसे चलता जाता है। पहले के लिए क्या यूज करते हो? के। तो ये वन का मतलब है पहला कोष, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं के इसके लिए, के इसके लिए, और ये एज इट इज, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं के उसके बाद बॉन्डिंग और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, तो अपना पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? आईपीएसी नाम देखो, ये एडजेक्ट कैसे है? CH3CO CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये एक तो आगे इसमें, ये भी कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है, ये भी कार्बोनिल क्रियात्मक या फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम है, यानी एक तो कीटोन आ रहा है, एक कार्बोक्सिलिक आ रहा है। जब दोनों आते हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? कार्बोक्सिलिक को। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 1 पे ये आ रहा है, मानो ये कोई होता तो ये पेंटेनोइक एसिड हो गया, लेकिन इसके 4 पे आ रहा है कीटोन, तो इसके लिए ऑक्सो यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। अगली की बात करें, अपन पूछा है कि कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका इन चारों में से किस में होती है? तो पहला दे रखा है खून के ऑक्सीजन वाहक में, ऑक्सीजन वाहक आपको पता है कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन होती है, यानी ये नहीं होगा। इसको देखो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हो तो आपको क्या मिलती है? ये रहा आपका एल्डिहाइड, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, तो आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो एल्डिहाइड से क्या बनता है? एसिड, तो ये भी नहीं होगा। अगला दे रखा मांसपेशी उत्तक में ऑक्सीजन संग्रहण, ऑक्सीजन संग्रहण का काम कौन करता है? मायोग्लोबिन, तो ये भी नहीं होगा। खून का थक्का जमने में कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। उसके बाद है ये इक्वेशन दे रखे हैं,
संतुलित ऑक्सीकरण आप चाहे ना अभिक्रिया बतानी है इनके लिए, संतुलित करो इसको, इसको जब संतुलित करोगे तो यहां पर आपके आएगा 6, यहां पर आपके आएगा 2, यहां पर आपके आएगा 4, यहां पर आपके आएगा 3, यहां पर आपके आएगा 2 और यहां पर आपके आएगा 8। ये बैलेंस इक्वेशन होगी, इसको करके देख लो। यहां पर आयोडीन के मोल कितने हैं 6, यहां पर भी कितने हैं 6, यहां पर मैग्नीज कितने हैं 2, यहां पर भी कितने हैं 2। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 ऑक्सीजन तो ये रहे, 4 × 8 प्लस 4 ये रहे और 8 ये रहे, ठीक है। इधर मैं बात करूं तो ये नहीं, ये तो नीचे वाले हैं, यही है। इधर मैं बात करूं तो आपके 4 ये रहे और 8 ये रहे, दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन 8 तो ये रहे और आपके प्रोडक्ट में कितने हैं 8 और रिएक्टेंट में कितने हैं 4 × 8, दोनों तरफ 8 8 है, तो ये भी बैलेंस है। तो देखो आई के साथ में आ रहा है 6, आई के साथ में कितना आ रहा है 6, MnO2 के साथ 2, H2O के साथ 4, तो आंसर हो जाएगा ये। इसको बैलेंस करना था, नॉर्मल बैलेंस कैसे करते हैं कि अपना रिएक्टेंट में और उत्पाद में दोनों के अंदर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर एटम्स की संख्या इक्वल कर देते हैं, वही आपका होता है बैलेंसिंग इक्वेशन। उसके बाद है कि ये रिएक्शन इन दोनों के साथ करवानी है तो क्या बनेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल का मतलब ये एल्काइन है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, अगर कहीं भी आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये है एल्काइन, इस पे हाइड्रोजन जोड़ने हैं। नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, वो होती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीकरण की बात करूं तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, अपन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में यही लेके चलते हैं लेकिन फिजिकल में उल्टा लेते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और अपचयन अभिक्रिया वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो पूरी केमिस्ट्री में ऐसे देखते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है आपका रिडक्शन या फिर अपचयन अभिक्रिया होती है। पहला बताना है कि भाई पैलेडियम और कार्बन आपका कैटलिस्ट है, इस पे इसको, इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जुड़ोगे, तो देखो कैसे होती है, आपकी सबसे ऊपर होती है एल्काइन, ठीक है, इसके नीचे आपकी होती है हाइड्रोजन और आप इस, इन दोनों को कर रहे हो किसके, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन एल्काइन पे ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे हटेंगे, तो देखो दोनों नीचे ऐसे जुड़ेंगे, दोनों एक साइड जुड़ेंगे, यानी R C डबल बॉन्ड C, ऐसे दोनों एक साइड जुड़ेंगे, दोनों एक साइड जुड़ेंगे तो कौन सी एल्किन बनेगी, सिस। लेकिन ये क्या है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपकी बर्थ रिडक्शन होती है और बर्थ रिडक्शन हमेशा प्रोडक्ट बनाती है, ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस एल्किन बनाती है, फिक्स है, बर्थ रिडक्शन या बर्थ अपचयन में हमेशा आपकी विपक्ष एल्किन मिलती है, ये फिक्स है, तो पहले में समपक्ष दूसरे में विपक्ष, आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला दे रखा है कि किस विटामिन की कमी से आपकी ये होती है, परनीशियस एनीमिया होती है, तो देखो अभी अभी बताई थी रेटिनोल नहीं होती है, डी की कमी से होती है, एस्कोर्बिक एसिड सी से होती है, भी नहीं होती, पाइरिडॉक्सिन अभी बताई थी कौन सी होती है, विटामिन B6, इससे आपकी ओनली होती है एनीमिया, ओनली कौन सी होती है एनीमिया, लेकिन पूछी कौन सी है, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया जो होती है वो होती है विटामिन B12 की कमी से, और कोबालामिन किसका नाम होता है, विटामिन B12 का, तो इसका आंसर हो जाएगा कोबालामिन। उसके बाद दे रखा है एसिटिक अम्ल का pKa वैल्यू ये है और आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb वैल्यू ये है, तो अमोनियम एसिटेट विलयन का pH ज्ञात करना है। नॉर्मल देखो किसको मिलाया है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, उसके बाद ले रखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH, इन दोनों को मिलाओगे तो इसका H+ और इसका OH- बाहर क्या निकल गया, वाटर, और ये दोनों जुड़ जाएंगे CH3COO- और NH4+, इसका नाम हो गया क्या, हो गया इसका नाम अमोनियम एसिटेट। तो आपने देखा कि मैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, वीक एसिड और वीक बेस को मिला के बना रहा हूँ, एसिड बेस दोनों मिल रहे हैं, तो इसकी पीएच 7 के समथिंग होगी और 7 आंसर आपका एक ही है। अगर फॉर्मूले से इसको निकालना चाहो तो फॉर्मूला आपका पीएच का होता है 7+1/2 pKa - pKb, 7+1/2 pKa की वैल्यू दे रखी है 4.76, इसकी दे रखी है pKb की 4.75, तो यहाँ से कितना आएगा 0.1, इसमें जोड़ोगे तो आंसर आएगा 7.005, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है पीएच का। इसके बाद है किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या,
चारों क्वांटम संख्या कौन सी होती है? एन, मुख्य क्वांटम संख्या मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या एम एस, स्पिन क्वांटम संख्या एम एल, एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम संख्या चार होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चार सेम नहीं होती, ये आपका बताया था पाउली अपवर्धन सिद्धांत। ओकवांग ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले आपकी मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में भरे जाते हैं, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। पाउली ने यह बताया था कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती है। हुंड के नियम बताता है इलेक्ट्रॉन को भरना कि जैसे मानो डी में आपके पांच कक्षक हैं, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद इनकी पेयरिंग होती है जो एंटी क्लॉकवाइज आता है, और ये भी आपकी फिलिंग पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला दे रखा है कि आपके दो तत्व हैं, कौन कौन से तत्व है, ए और बी, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और इनका आणविक सूत्र बनाना यानी यौगिक कौन सा बनेगा। तो ढंग से देखो, ए के अंदर भारी सेल आ रही है थ्री की, थ्री में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पांच, पांच है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, थ्री। ए की वैलेंसी कितनी है आपकी, थ्री। बी की यदि मैं बात करूं तो बी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच, दो, सात। इसको अष्टक पूरण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो बी की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक। वैलेंसी फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक, बी थ्री, तो आंसर हो जाएगा ए बी थ्री, आपका एक फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए समूह में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कौन सा संभव नहीं है, कौन सा नहीं हो सकता। तो पहला देखो, एक चीज बता देती हूं मैं आपको, एल की वैल्यू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स ऐसे लेते हैं। जीरो के लिए होता है एस, इसके लिए पी, इसके लिए डी, इसके लिए एफ, इसके लिए जी और इसके लिए एच, ऐसे चलती है एच आई, ऐसे चलता है। एम की वैल्यू टू, टू के मतलब इसका संयोजकता कोष है, वैलेंस शेल है, तो यानी टू। एल वन, वन किसके लिए होता है, पी के लिए, तो पी। एम जीरो, ठीक है कोई बात नहीं, जीरो का मतलब है ओनली एस कक्षक, पी है आपका, ठीक है मिड का है। एस हाफ हो सकता है यानी टू पी वन, ये हो सकता है आपका। एन की थ्री, थ्री की बात करूं तो आपने लिया थ्री, एल थ्री के लिए एफ, आप सभी को पता है थ्री के अंदर एफ स्टार्ट नहीं होता, एफ स्टार्ट होता है फोर से, तो ये संभव नहीं है। अगले पे आओ, एन थ्री, एल टू, टू डी के लिए आपका थ्री हो सकता है, थ्री डी होता है। एम माइनस टू आराम से हो सकता है, डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं आपके, पांच, तो आपको पता मिड वाले के लिए आपका एम होता है जीरो, इसके लिए माइनस वन, इसके लिए माइनस टू, ये इधर प्लस का वन और इधर प्लस का टू, तो यानी माइनस टू हो सकता है, आराम से हो सकता है। एस वन नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन या तो होगा प्लस का हाफ या होगा माइनस का हाफ, इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरते हो ऐसे, तो इसके लिए होता है क्लॉक वाइज वाले के लिए स्पिन की वैल्यू होती है प्लस की हाफ, एंटी क्लॉक वाइज वाले के लिए होती है माइनस की हाफ, तो प्लस की हाफ या माइनस की हाफ हो सकते, ये नहीं हो सकता। अगले की बात करें, एन फोर, थ्री का मतलब आपका है एफ, हो सकता है एफ के लिए माइनस टू वैल्यू हो सकती है, एस हाफ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ इसमें ये नहीं हो सकता और इसमें थ्री एफ नहीं बनेगा, एफ फोर से स्टार्ट होता है। उसके बाद है, सीमेंट की जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, आप सभी को पता जो अपनी सीमेंट होती है उसमें आप जैसे ही पानी ऐड करते हो तो उसमें हार्डनेस आ जाती है यानी वो कठोर हो जाती है, तो ये पूछ रहे इस कठोरनेस को रोकने के लिए मैं इसमें क्या मिलाऊं, तो इसके अंदर यदि आप जिप्सम मिला देते हो तो ये कठोर नहीं होती है यानी जमने की प्रक्रिया को रोकता है, कौन रोकता है, जिप्सम। फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू। सेम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ एच टू, इनका फॉर्मूला आंसर हो जाएगा जिप्सम। अगली अगर अपन बात करें तो दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस होता है, ये देखो दोनों एक ही फैमिली के कार्बन सिलिकॉन, ये सहसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे और ये नेटवर्क सॉलिड भी बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये। इसमें दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2 ग्रीन हाउस गैस होती है, मेथेन ग्रीन हाउस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस होती है, इसके अलावा ग्रीन हाउस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस होती है, इसके अलावा ओजोन होती है आपकी, ये नहीं होती ग्रीन हाउस, नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगला दे रखा है कि क्रिस्टल तंत्र के लिए अक्षीय दूरियां ये है और अक्षीय कोण ये है, कौन से के लिए है, तो देखो अक्षीय दूरियां यानी तीनों दूरी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है,
ये आपका दो के अंदर ही आता है, एक तो होती है मोनोक्लिनिक जिसको हिंदी में बोलते हैं एकांताक्ष, एक ऐसा सिस्टम सेम आता है आपका ट्राई क्लिनिक के लिए जिसको आप बोलते हो त्रिनताक्ष। लेकिन ट्राई क्लिनिक के अंदर जो आपके तीनों कोण होते हैं वो 90 के बराबर भी नहीं होते, इक्वल भी नहीं होते, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होता, बीटा गामा के इक्वल नहीं होता, तीनों 90 के भी नहीं होते। इसमें ऐसा नहीं है ना, अलग है, लेकिन ये सिस्टम आ रहा है इसका मतलब आंसर हो जाएगा मोनोक्लिनिक। अगर ऐसा ही सेम सिस्टम तीनों कोणों में होता तो इसका आंसर हो जाता है ट्राई क्लिनिक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा एकांताक्ष। अगली यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है हाइड्रोनाइट्रस अम्ल का रासायनिक सूत्र, ये होता है हाइड्रोनाइट्रस अम्ल का H4N2O4। अगला दे रखा है कि इनकी आयनिक त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है, तो ये सभी के सभी एफ ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में भी लेंथेनोइड सीरीज में आते हैं। लेंथेनोइड ऐसे होता है ले सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, ऐसे चलती है सीरीज। तो देखो इसमें पीएम ये आ रहा, पीएम सबसे पहले, पीएम के बाद एसएम आता है, ये रहा एसएम, एसएम के बाद ईयू आता है, ये रहा ईयू, उसके बाद गैडोलियम आता है, ये रहा जीडी, उसके बाद टीबी आता है, ये रहा टीबी, सीरीज वाइज इसी के अंदर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा थ्री। इसके बाद अगले की अगर बात करें तो अगला दे रखा ट्रिस, एथेन 1,2-डाइएमिन कोबाल्ट 3rd सल्फेट कौन सा है इनमें से, तो ट्रिस का मतलब देखो एथिलीन डाइएमिन में डाई आ रहा है, इसका मतलब तीन बाहर आएगा, इसका एथिलीन डाइएमिन तीन के लिए ट्रिस, कोबाल्ट ऐसे आएगा और इधर सल्फेट आएगा, ऐसा सिस्टम इसमें है, लेकिन यहाँ इसमें टू है और यहाँ इसमें दे रखा है आपको थ्री, तो ये थ्री ये चार्ज है, जब दो चीजों की चार्ज होती है ना, जैसे मानो मैं इसको बोलूं कि प्लस का टू है, इसको बोलूं माइनस का टू, तो ये ऐसे आते हैं एक दूसरे के, कैसे रखे जाते हैं, जैसे मानो ए का चार्ज यहाँ मैं प्लस का टू लिख रखा है, बी का माइनस का टू, तो ए का माइनस टू था ये प्लस टू, ये ऐसे गए एक दूसरे पे, तो इसका चार्ज यहाँ ये चार्ज इसका था, इसका चार्ज ये यहाँ इसका था, तो क्या हो जाएगा ट्रिस एथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये। इसके बाद अगले की बात करूं, एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तार के अनुप्रस्थ काट का काट से 8 सेकंड में गुजारने पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यह आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फेराडे लॉ का है, फेराडे लॉ फर्स्ट फेराडे लॉ क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू क्या होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन में टी, क्या पूछे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन निकालना है, एन निकालना तो जाएगा आई टी अपॉन में ई, I की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 एम्पियर, धारा T टाइम 8 सेकंड, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका फर्स्ट, फेराडे के फर्स्ट लॉ से हो रहा है। इसके बाद अगले की बात करो, चालकता और विशिष्ट चालकता और शैल स्थिरांक के मध्य संबंध, तो आपकी विशिष्ट चालकता होती है इसको लिखते हैं कैसे, चालकता को सी से, शैल स्थिरांक को जी स्टार से, तो जो ये विशिष्ट चालकता होती है ये होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है आर ए बाई एल, आर होता है किसी भी तार के अंदर बहने वाला प्रतिरोध, यह होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यह होती है उसकी लंबाई, इसके बराबर होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, यहां रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा के बराबर आर ए बाई एल, ठीक है नहीं सॉरी उल्टा हो गया, ये बनेगा एल आर ए, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/R LA, अलग अलग कर दिया, 1/R होता है आपका कंडक्टेंस या चालकता, LA होता है जी स्टार, तो के बराबर क्या बना सी जी स्टार, अपन को इसमें निकालना है, तो ये देखो जी स्टार अगर निकालो तो जी स्टार बन जाएगा के अपॉन सी, तो सेल स्थिरांक किसके बराबर हो जाएगा विशिष्ट चालकता अपॉन में चालकता, तो आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद अगर मैं आगे चलू तो पूछ रहा है सोडियम सलन में निष्कर्षण में सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के साथ अभिक्रियत करने पर बैंगनी रंग का प्राप्त होना कौन सा होता है, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड का फॉर्मूला आपका होता है Fe(CN5NO-2), इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं सल्फाइड के साथ, तो अपना बनता है Fe(CN5NOS-4), यानी -4 लिख दूं या फिर यहां पर लिख दूं Na4, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको जब तोड़ोगे तो ये टूटेगा Na+ के 4 मोल, प्लस का 4 है तो यहाँ आ जाएगा -4, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का ये होता है, बैंगनी कलर इसका होता है।
अब पूछा निम्नलिखित में से चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम किसका है? उच्चतम उसका होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होते हैं। अब आपको पता है इन सभी के अंदर, ये सभी के सभी अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर, और कोऑर्डिनेशन में कौन से ब्लॉक की धातु आती है? डी ब्लॉक की। और डी में कक्षक कितने होते हैं आपके? डी में कक्षक आपके होते हैं 5। तो मैक्सिमम का मतलब है ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर चट्टा यहाँ भरोगे आप यहाँ, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह जाएगी 4, तो पॉसिबल नहीं है। यानी D5 किसी के अंदर आना चाहिए। D5 किससे आएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू या मैग्नेटिक मोमेंट होगा 5.8। ये तो देखो 5 किसके अंदर आएंगे, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका दे रखा है ये आपके, ये कितने नंबर पे आती है? 26 नंबर पे। आयरन कितने पे आता है? 26 पे। तो ये आपको पता है किस में जाता है? 4s के अंदर। और ये किस में आती है? 3d के अंदर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहां से आप मैं बोलूं कि धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो जिसकी निकाल रहे हैं उसको अपन क्या लेते हैं? एक्स। हेलोजन कितने हैं? 6। हेलोजन पे चार्ज कितना होता है? -1। कॉम्प्लेक्स पे कितना है? -3। तो ये आपका हो गया ऐसे। -6 को उधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। -6 को उधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ से x बराबर कितना आया? 3। तो यहाँ पर यदि 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3 कहाँ से निकलेंगे? सबसे पहले बाह्य कोष के निकलेंगे 2, और उसके बाद आंतरिक के। तो 2 ये और 1 इसमें से, तो ये क्या बचेगा? 3d5। 5 यानी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, डिटेल में अच्छे से क्लास में हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं आपको। उसके आगे पूछा कौन सा कण लेप्टॉन नहीं है? जो होते हैं लेप्टॉन आपका होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन। प्रोटॉन आपका मेसॉन कण होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। इसके बाद दे रखा है इस बीच फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मिलाना है। SF4 की बात करूं तो मैंने आपको संकरण पढ़ा रखा है, उसमें स्टेरिक नंबर निकालते हैं। फॉर्मूला इसका होता है 1+1/2V+M-C+A। ये होता है 1/2। वी क्या था? संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता कोष के सल्फर में कितने होते हैं? ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो सल्फर में भी 6। और चारों फ्लोरीन एकल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो चारों के चारों मोनोवेलेंट स्पीसीज है या एक संयोजी स्पीसीज है, तो चार ही रहेंगे। इस पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इन दोनों की वैल्यू हो गई 0। तो यहां से कितना आया? 5 आएगा। 5 का मतलब sp3d, 3, 4, 5। तो पहले के अंदर आएगा आपका sp3d। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। फ्लोरीन सारे के सारे कैसे हैं? मोनोवेलेंट। तो ये तो यहाँ कितना आएगा आपका? 12 और 6 आएंगे, स्टेरिक नंबर आएगा 6। 6 के लिए लिखा जाएगा sp3d2, तो इसके लिए आ जाएगा ये ऐसा क्रम इसमें, तो आंसर हो जाएगा ये 4th। ऐसे ही सभी का निकालना, संकरण मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है। इसके बाद अगले में आओ, दे रखा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब का मतलब है शुद्ध जहां पे लग जाता है तो उस पे नोट आ जाता है, P-A। शुद्ध वाष्प दाब दे रखा है ये 0.5 ग्राम। अवाष्पशील दे रखा है, अवाष्पशील का मतलब है ये आपका विलय है सोल्यूट, और सोल्यूट को लिखते हैं अपन बी से, तो ये वेट है, तो ये WB है आपका। ओके, इसके बाद दे रखा है आपको 39 ग्राम, यानी ज्यादा इन दोनों में से ज्यादा क्वांटिटी इसकी है, तो ये विलय है और ये विलायक है। विलायक को अपन लेते हैं मानो बी से, विलय को ए से लिया, तो विलय को आपने लिया बी से, तो विलायक को लो ए से, तो ये हो गया WA। इसके बाद दे रखा है कि विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा PA। तो पूछा है ठोस का मोलर द्रव्यमान, ठोस का यानी इसका पूछा है, यानी आपको पूछे हैं बी विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट। इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको वाष्प दाब शुद्ध फेज का भी दे रखा है और वैसे भी दे रखा है, यानी इसमें आपको निकालना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, लोवरिंग इन वेपर फेज, और इसका फॉर्मूला फिक्स है। आपका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है P0A। कितना दे रखा आपको? दे रखा 0.85। P0A 0.85। P कितना दे रखा है? 0.845। WB आपको कितना दे रखा है? 0.5। आपको MA कितना दे रखा है? 78।
आपको डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 39। इसको सोल्व करोगे यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 39। 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 1, 1 आ जाएगा। तो इधर इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 ही आएगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.005। इसको जब सोल्व करोगे, इस पॉइंट को हटाना है नीचे आ जाएगा 100, इसको हटाना है नीचे ऊपर आ जाएगा 1000। 2 से 2 कट गया यानी 850 के अंदर इसका करना है तो आपका आंसर आएगा 170, और 170 आपका ये रहा डी, आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है कि एथिल एल्कोहल में आयर स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर प्राप्त नहीं होता, ये नहीं होता क्योंकि नियर बाय 1700 जो आता है वो आपका कार्बोनिल के लिए आता है। किसके लिए आता है, कार्बोनिल के लिए, बाकी अरे एल्कोहल के लिए होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद ये रिएक्शन है और इसमें से पूछा उत्पाद क्या होगा, अगर इसको बैलेंसिंग के आधार पर देखो, बैलेंस करो, संतुलित करो, तो भी आपको पता चल जाएगा इसका आंसर यही होगा। यानी उत्पाद में और रिएक्टेंट में अगर परमाणुओं की संख्या मैच करो, नंबर ऑफ एटम्स मैच करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा इसका आंसर होगा ये, एसिटिक एसिड बनेगा। आगे दरगाह त्वचा की वर्णकता में कौन सी धातु के एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कॉपर। कॉपर किसके यूज आता है, बायोसिंथेसिस ऑफ, बायोसिंथेसिस ऑफ मेलानिन। मेलानिन जो आपका होता है उसके आपके बायोसिंथेसिस में यूज होता है। मेलानिन आपकी त्वचा में वर्णक के लिए उत्तरदायी कौन होता है, मेलानिन, और मेलानिन के बायोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी कौन होता है, कॉपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। इसके बाद दे रखा निम्नलिखित में से चारों कणों की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण की, ये डी ब्रोगली तरंग देखते जो सबसे अधिकतम होती है वो हमेशा होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इसके बाद अगला दे रखा 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये ग्लूकोज क्या होता है आपका डाइसेकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट या बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका आपको निकालना है द्रव्यमान यानी मास, कैसे निकालते हो, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6, सॉरी कार्बन के मोल कितने हैं, 6, कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6। इसका द्रव्यमान, इसका परमाणु भार होता है वो परमाणु क्रमांक का डबल होता है, तो कितना होगा 12। हाइड्रोजन के लिए टोटल 12, ये कितने पे आता है, ये कितने, 6। ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8, डबल करो 16। तो इसको जब करोगे यानी 72 + 12 + 96 इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 180, ये रहा 180। उसके बाद दे रखा है चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, इसके लिए कॉम्प्लेक्स आपको क्या दे रखा है, CO NH3 6+3। ये कैसा लिगेंड होता है, उदासीन या न्यूट्रल, तो ये प्लस का चार्ज ऐसा का ऐसा इसमें है। कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, अगर कोबाल्ट की बात करो तो 27 नंबर पे, 27 पे क्या हो जाएगा, 3D7 4S2। बताया था 2S में जाता है और लास्ट वाली डिजिट D में आती है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस का 3, 3 हटाने हैं तो आपको पता है पहले S के हटेंगे फिर D का, तो आ जाएगा 3D6। 6 आपको पता है ये लिगेंड कैसा होता है, पर्पल लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये 6 जो अब भरे जाएंगे D के अंदर, ये आपके ओक पाव यानी सॉरी हुंड के नियम की पालना नहीं करते, हुंड के नियम के अनुसार फिल नहीं होंगे, तो 6 आपके अब ऐसे होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है μ (n)(n+2)√(bohr magnitude) और यहाँ पर n होता है अयुग्मित या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कितनी है 0, तो म्यू कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद अगला दे रखिए ये रिएक्शन है, इस पे इसको दौड़ना है ढंग से, देखो ये आपका दे रखा है वोटर H2O, ये क्या है एल्काइन। तो एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करना है आपको, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन यानी एल्काइन पे जलयोजन करना है। जलयोजन करोगे तो इसमें कौन कौन से होते हैं, एक एच प्लस होता है, एक ओ एच माइनस होता है। इसको जब तोड़ोगे तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस, तो यहाँ आ जाएगा ओ एच और यहाँ आ जाएगा एच। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, कौन सा टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है ये, तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये माइनस यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, तो ये इसी पे चला जाता है। तो इस कार्बन पे तो रह जाएगा डबल बॉन्ड ओ और अगले पे दो जुड़ गए, हो जाएगा CH3 में, ऐसे ये इसमें है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद अगला देखू प्रथम, सॉरी इसमें रह गया, हाँ हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में 32 मिनट लग रहे हैं, आधा होने में कितना टाइम लगेगा,
तो आप सभी को पता है प्रथम कोटि के लिए आपका हाफ लाइफ का होता है, अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के, के आपका होता है नियतांक। तो देखो हाफ लाइफ जो होती है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही, कहीं भी इसकी सांद्रता नहीं आ रही ना। तो मानो मैं आपको बोलूं कि जो आपका रिएक्टेंट है वो पूरा पहले 100% है, उसको मैंने 50% कर दिया, फिर उसको मैंने 25% कर दिया, 75% यानी 100 में से 25 घटाओगे तो कितनी बचेगी, 75%। 75% में कितना टाइम दे रखा है, 32 मिनट। पूछ रहा है भाई कि 100 से आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो 32 का मतलब है ये टाइम और ये टाइम आपने दोनों को ऐड किया तब 32 हुआ है, और ये दोनों टाइम बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो 32 का आधा 16 यहाँ पे आएगा और 16 यहाँ पे आएगा, तब 75% होने में देखो आपकी सांद्रता को आधा कर दिया तब 16 मिनट लग रहे हैं, फिर इसको आधा कर दिया तब भी 16 ही है। यानी सांद्रता को आधा करने पे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है अर्धायुकाल या हाफ लाइफ टाइम जो होता है फर्स्ट कोटि अभिक्रिया के लिए वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यहाँ से तो आपको पता चल गया कि टोटल 32 मिनट है, तो आधा होने में 16 मिनट लगेगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 16। उसके बाद दे रखा है दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य पॉलीसेकेराइड बनने में कौन सा बंध होता है। दो मोनोसेकेराइड को जब आप जोड़ते हो, दो मोनोसेकेराइड को जिससे आपकी पॉलीसेकेराइड बनती है, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और ये दोनों मोनोसेकेराइड जिस बंध से जुड़ के पॉलीसेकेराइड बनाती है वो आपका होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। तो आपके ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन थे 43 के या 42 या 43 क्वेश्चन है जो 2022 के अंदर ये केमिस्ट्री का यही पोर्शन आया था, जो बहुत ईजी था, आराम से सारा हो जाएगा। तो अपन बहुत ढंग से करेंगे सारी केमिस्ट्री को पढ़ते हुए। धन्यवाद।